ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी वेतन नहीं मिलने पर फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने रोहिणी जोन के DC सहित कई अधिकारियों का घेराव किया। दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन सफाई कर्मचारियों के तेवर देख अधिकारी भी सकते में आ गए। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनका वेतन नहीं दिया गया और दिल्ली फिर से कूड़ा कूड़ा हो गई तो दिल्ली में फैली गंदगी के लिए सफाई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। जबरदस्ती से ड्यूटी ली जा रही है, तनख्वाह नहीं दे रही। पूरी दिल्ली के अंदर काम बंद होगा। दिल्ली नगर निगम रोहिणी जोन के अधिकारियों ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके सामने ये आफत भी आ सकती है। तस्वीरें सुल्तानपुरी इलाके की है। यहाँ सफाई कर्मचारियों ने अपने वेतन की मांग को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोहिणी जोन के अधिकारी निकले तो थे राउंड पर, लेकिन उनका सामना सफाई कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से हो गया। इन प्रदर्शनकारी लोगों ने रोहिणी जोन के उपायुक्त की गाड़ी को भी रोक दिया। गाड़ी के सामने जमकर नारेबाजी की। हालात यहां तक हो गए कि निगम अधिकारियों को अपनी गाड़ी पीछे लेनी पड़ी। निगम अधिकारी इस मामले पर कुछ बोलने से भी बचते नजर आए। हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के आदमी है, ये दूसरा विभाग है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह पाए। इन लोगों का कहना है कि नगर निगम के बड़े अधिकारियों को वेतन की परवाह नहीं है, लेकिन निचले स्तर के कर्मचारी खासकर सफाई कर्मचारी को यदि एक महीने भी वेतन ना मिले तो उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। यहाँ तो कई कई महीने वेतन का इंतजार करना पड़ता है। इन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्द ही उन्हें वेतन नहीं मिला तो दिल्ली में फिर से गंदगी के ढेर नजर आएंगे, दिल्ली फिर कूड़ा कूड़ा नजर आएगी। यदि ऐसी स्थिति हुई तो इसके लिए सफाई कर्मचारी नहीं, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम जिम्मेदार होगी। इन सफाई कर्मचारियों के समर्थन में सुल्तानपुरी के पूर्व विधायक और कांग्रेस के सीनियर लीडर जय किशन भी पहुंचे। जय किशन ने भी ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी भी सफाई कर्मचारियों के हक के लिए आंदोलन करेगी। ये सब लोग परेशान हैं, कई कई महीने से तनख्वाह, पेंशन, रिटायरमेंट के पैसे, प्रमोशन, कैशलेस जैसी सुविधाएं और परेशानियां, कोविड में दुखी हैं लोग और सरकार दोनों की दोनों बैठी है, हाथ पे हाथ रख करके बैठी है, कोई सुनाई नहीं कर रहा। और जो कर्मचारी के समर्थन में बात करेगा कांग्रेस उनकी मदद करेगी। पूरी दिल्ली में हमारी हड़ताल चली हुई है और हमारी जो मांग डिमांड है जब तक पूरी नहीं होगी। हमारी मांग है 1998 से 2017 तक के पक्के करो। हमारी मांग है जो कर्मचारी पक्के किए गए उनका एरियर का भुगतान करो। हमारी मांग है हमारा जो है 2020 का बोनस भी खा गए इस कोरोना महामारी के अंदर, हमारे को बोनस नहीं दिया गया, छठे वेतन आयोग का पैसा हमारे को नहीं दिया गया। बिल्कुल मन बना लिया, पूरी दिल्ली के अंदर काम बंद होगा। दिल्ली में अगले साल नगर निगम चुनाव भी होने हैं, लिहाजा कांग्रेस की भी कोशिश है कि वह आम आदमी पार्टी की ओर झुके अपने इस परंपरागत वोट बैंक को फिर से हासिल कर ले। आम आदमी पार्टी भी और BJP पहले ही इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार मान रही है। यानी उम्मीद है कि इस साल भी ये सियासी पार्टियां इन सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और सियासत ही करती नजर आएंगी। यदि ऐसा हुआ तो यह भी तय है कि इसका खामियाजा ये सफाई कर्मचारी ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता को भी भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर